शांति। आज है 18 दिसंबर 2020। मुरली का सार, मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रश्न, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल रखो। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरा, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेंट समाप्त होंगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना, अर्थात बेवफा बनना। ओम शांति।